अब जबकि विक्रम भाई और अजीत भाई ने बहुत क्रिकेटर से पंगे ले ही लिए हैं इस शो में, तो आज के दिन हम लोग अगली कैटेगरी की तरफ चल रहे हैं जहां पे पंगे अंपायर से लिए जाएंगे। तो कैटेगरी इज कॉल्ड T20 का धृतराष्ट्र अवार्ड, यानी कि वो अंपायर जिन्होंने मैदान में होते हुए भी कुछ नहीं देखा। अंदरों में निजार एस रवि, जिन्होंने मलिंगा की ओवरस्टेपिंग नहीं देखी। उल्लास गंदे, जिन्होंने गंदे बात करके एमएस धोनी को फील्ड पर बुला लिया। शमसुद्दीन, जिन्होंने अपनी जेब के अंदर रखी हुई गेंद ही नहीं देखी। गाइस, व्हाट डू यू थिंक? उफ, फॉर मी थ्री सुपरस्टार्स, आई थिंक सुपरस्टार, आई थिंक यू शुड गिव इट टू ऑल ऑफ देम, बट वी हैव टू सिलेक्ट वन। I'll go for Shamsuddin because I have seen a lot of umpires make mistakes. But अगर ball अगर आपके pocket में और आप भूल गए, इससे better क्या होगा? और I think 2 minutes बाद आपको शायद याद भी आ जाए कि at least check करे। I think वो पूरा ground घूम रहे थे सारे ball ढूंढते हुए। तो yeah, I agree with you. Shamsuddin was good fun for people watching as well, not for Shamsuddin. Correct. जब हम गली क्रिकेट खेलते थे, सिक्का उछाला जाता था। सिक्के के बाद फिर लड़ाई होती थी दोनों कैप्टन में कि किसने चीटिंग किया। तब तक मैं सिक्का उठा के जेब में रख देता था। तो शमसुद्दीन इज माय ब्रदर सॉर्ट्स। सो द अवार्ड फॉर T20 का धृतराष्ट्र अवार्ड गोस टू शमसुद्दीन। शमसुद्दीन साहब खुद आए। शमसुद्दीन तो आपने तो हैंडसम लग रहे हैं। थैंक यू। जो आदमी बॉल रख के चलते मैच में बॉल रख के जेब में भूल सकता है, भाई वो आज आना कहाँ याद रखेगा। वो भूल गए और मैं आ गया। इनका सरनेम गजनी तो नहीं है? टैटू वाटू करा के रखते हैं कुछ? नहीं हो सकता है, पर कर लेना चाहिए। एक्चुअली नाइस आइडिया। प्लस टेक द अवार्ड्स। वेल डन। थैंक यू। कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। ये अवार्ड शमसुद्दीन को देना, भूल ना जाना। मैं देखता हूँ क्या कर रहे हैं इसमें। वैसे अच्छा लग रहा है। कैटेगरी याद है आपको कौन सी मिली है? हाँ, क्या है? गजनी। जाओ। थैंक यू। धृतराष्ट्र अवार्ड लेके बोल रहा है, गजनी कैटेगरी मिली है।